पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन धरातल पर सारे वादे विफल हो जाते हैं। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां जिला अस्पताल के महिला वार्ड से बहला फुसला कर ले गया था 6 साल की बच्ची को अस्पताल के टॉयलेट में, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया और अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो बच्ची के परिजनों के आधार पर तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। मझूला थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला को प्रसव के लिए महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म दिया। जिला महिला अस्पताल में भर्ती अपनी माँ से मिलने परिवार के साथ 6 वर्षीय बच्ची भी गई थी। करीब शाम को 4 बजे बच्ची वार्ड के बाहर खेल रही थी, तभी एक युवक बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने साथ जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड के समीप टॉयलेट में ले गया। वहां पर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, तभी बच्ची जोर से रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर हड्डी वार्ड में मौजूद तीमारदार घटनास्थल की ओर दौड़े। तीमारदारों को आते देख आरोपित बच्ची को छोड़कर भाग गया। तीमारदारों ने बच्ची को चुप किया, उसके बाद बच्ची को उसकी माँ के पास ले गए। बच्ची से आरोपित के बारे में पूछताछ की गई तो बच्ची कुछ भी नहीं बता पाई। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए अस्पताल में पीड़िता के परिजनों से बातचीत की। उनका कहना है कि ऐसे में अस्पताल के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है, यदि रात होती तो बच्ची की आवाज तक कोई सुन नहीं पाता। ऐसे में आरोपित बच्ची के साथ गलत काम भी कर सकता था। अस्पताल प्रशासन से मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा की मांग उठाई है। उनका कहना है कि आरोपित के सामने आने पर बच्ची उसको पहचान लेगी। इस तरह के अस्पताल में बच्ची के साथ सामने आ रही है, हम लोग उसकी पहचान कर रहे हैं और उसके हिसाब से फिर परिजन से तहरीर लेकर हम मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। जो भी साक्ष्य होगा अग्रिम कार्रवाई साक्ष के आधार पर कराएंगे। उसके हिसाब से जो भी तहरीर मिलेंगे हम लोग लेते हैं, जो भी तक सामने आएंगे फिर अभी तहरीर उससे हम लोग ले रहे हैं, तहरीर प्राप्त हो जाएगी तो फिर हम लोग सर जानकारी। किस तरह की आपको शिकायत हुई प्राप्त हुई अभी करने की तहरीर नहीं है, हम लोग उसे तहरीर प्राप्त कर रहे हैं, तहरीर मिल जाएगी फिर बाहर से लौटा तो सवेरे मैंने समाचार में पढ़ा कि एक 8 साल की बच्ची को कोई बच्चा यहाँ पर बहला फुसला कर ले गया था, तो उसके साथ घटना तो नहीं हुई, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। यहाँ चिकित्सा प्रशासन पर कि कम से कम यहाँ महिला वार्ड में कौन प्रवेश करता है, किधर से प्रवेश करता है, इसके सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठा है। तो निश्चित तौर पर ये बात मैं ऊपर तक वहाँ शासन तक ले जाऊँगा, लेकिन आज अभी जो मैंने जानकारी प्राप्त की माता पिता से, वो भी घबराए हुए हैं, बच्ची भी घबराई हुई थी, और ये उत्तर प्रदेश बाल आयोग की जिम्मेदारी है कि कम से कम महिलाओं को या बच्चों को पूरी सुरक्षा मिले। हमारी सरकार भी ये पूर्ण प्रतिबद्ध है कि किस प्रकार से बच्चे इस प्रदेश में सुरक्षित हों, महिलाएँ सुरक्षित हों, लेकिन अगर ये असुरक्षा का सवाल उठता है तो इस पर लोकल प्रशासन पर सवाल उठता है, और कहीं ना कहीं इसके बेहतर इंतजाम हों, इस बात की निर्देश आज दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं, और इसकी पूरी की पूरी जानकारी शासन को लखनऊ जाकर मैं जाऊंगा 10 तारीख को और पूरी जानकारी इसकी वहां दूंगा। लेकिन ये गंभीर बात है कि आगे के लिए अगर इस प्रकार से माहौल अगर बनता है तो फिर ये सवाल उठते हैं हमारे इस लोकल प्रशासन पर कि यहाँ जो अधीक्षिका हैं या जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता। हाँ, इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, कहाँ से आया है, मैं इसलिए मैंने कहा कि सुरक्षा पर सवाल है। कैमरों में जो भी घटना जिस प्रकार की होगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, होनी चाहिए,
हमारा आयोग इस बात को सजेस्ट करेगा कि यहाँ सुरक्षा का इंतजाम अगर नहीं होंगे तो आने वाले समय में बच्चों को परेशानी आ सकती है। अभी पिछले दिनों यहाँ पर डांस पार्टी हुई थी। हाँ, डांस पार्टी का मुझे अभी संज्ञान लिया है मैंने, अभी देखा है मैंने, तो अभी इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा, लेकिन अभी बच्चों का के विषय में जानकारी ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे इस अस्पताल में माताओं के साथ आते हैं तो ये सुरक्षित हों, सुरक्षित यहाँ रहें, और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, और ये यहाँ की अधीक्षिका की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम अगर कोई इंतजाम कमजोर हैं तो उसको शासन प्रशासन के संपर्क में लाएं और यहाँ बेहतर इंतजाम हो ताकि हमारी महिलाएं बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रह सकें। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक उपायों में कमी है और इस बात की प्रशासन की जिम्मेदारी, यहाँ स्थानीय चिकित्सा प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कमी है तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को डिमांड करें, यहाँ से पुलिस की डिमांड करें, सुरक्षा की मांग करें, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो यहाँ के स्थानीय चिकित्सा प्रशासन पर सवाल उठते हैं। सर, पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई थी, कल की घटना जी 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 फुटेज के लिए कल के लिए टाल दिया गया। नहीं, अभी मैं भी उसकी फुटेज लेकर जाऊंगा, मैं भी अभी देखूंगा अभी कहां किस स्तर पर कहां से प्रवेश हुआ है, इस बात के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं और आगे भी सख्ती के साथ निर्देश दिए जाएंगे ताकि ये आने वाले समय में बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। इससे पहले भी काफी लापरवाही। हाँ, मेरे संज्ञान में चूंकि अभी आया है, मैं चार महीने मतलब यहाँ मैंने सारे प्रशासन को कहा है, यहाँ बैठ के होनी चाहिए, तीमारदार से संवाद होना चाहिए, पुलिस के साथ बैठ के होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ ऐसी जरूर व्यवस्थाएं बननी चाहिए ताकि ये व्यवस्था ठीक बन सके, और ये नहीं बनती है तो सवाल उठते हैं और ये सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं सीधे तौर पर प्रशासन से तो कहूंगा ही और शासन से भी उत्तर प्रदेश जाने के बाद यहाँ की पूरी रिपोर्ट। नहीं, मेरा जो एक्शन होता है वो कानूनी एक्शन होता है। मेरा कानूनी एक्शन ये होगा कि सीधे तौर पर यहाँ बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे माँ बाप के साथ आते हैं तो उनका अधिकार है कि वो यहाँ जिस वातावरण में रहे उनको सुरक्षा का वातावरण मिले, और सुरक्षा का वातावरण अगर नहीं मिलता है तो उसमें जहां भी उल्लंघन के लिए जो भी संस्था जिम्मेदार है उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई हो, इस बात को मैं शासन को प्रस्तुत करता हूँ, अपना प्रस्ताव भेजता हूँ, अपना सुझाव भेजता हूँ।